के पचास उनके साथ में जाकर उनकी रैली में शामिल होकर, बट ये बोल्ड वाला अंदाज मुझे कुछ नहीं समझ। देखिए मैंने तो सिंपली एक प्रचार किया था, पर अभी इसको अनोखा या बोल्ड या सनसनी या जो भी सब टैगलाइन दिए जा रहे, ये मेरा कोई इरादा नहीं था कि ऐसे सब टैगलाइन लगे। मेरा एक बहुत सिंपल और बहुत ही सादा एक ओपिनियन था जो मैं लोगों को साथ रखना चाहती थी, लोगों के सामने रखना चाहती, जो मैंने रखा। नहीं, देखिए मैं गुजरात से ज़रूर हूँ, पर मैं मुंबई का हूँ, अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मुझे भारत से बहुत प्यार है, मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, और मैं अपनी कंट्री को एक अच्छे मुकाम पे देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप बीइंग अभिनेत्री मैं काफ़ी देश में घूमती हूँ, काफ़ी कंट्रीज जाती हूँ, वो लोग हमसे इतने आगे हैं और वहाँ के लोग अपने आप को इतना सिक्योर महसूस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, हमारे देश को ये सब नाम से जुड़ा जाता है, तो हमें अच्छे नाम के साथ हमारा देश जुड़ा चाहे, उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको आगे आना पड़ेगा। देखिए मोदी जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है, 10 साल से भारत में जो गुजरात राज्य है। तो अरविंद केजरीवाल भी अच्छा कर रहे हैं, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अभी आए हैं, वो एक साल से, क्योंकि देश चलाने के लिए हमको अगर घर भी चलाना होता है तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये तो देश की बात हो रही है, जब आपको देश चलाना है तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपके तरीके कानून और कायदे के अंदर रहने चाहिए, संविधान को आपको फॉलो करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है मैं देखिए काम में बिलीव करती हूँ, बातों में बिलीव नहीं करती। जिसने काम किया है हमें उसको ही अभी चांस देना चाहिए, रिस्क क्यों उठाना, हम इनफ रिस्क उठा चुके हैं ना, अभी तक हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो अभी हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश को बहुत आगे लेके जाए। पहले तो पूनम पांडे ने शायद क्रिकेट के लिए किया था, वर्ल्ड कप के लिए किया था, और वो वर्ल्ड कप और क्रिकेट के बारे में बात थी, यहाँ मैं देश की बात कर रही हूँ, पीएम की बात कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने अपना योगदान दिखाया है, वहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए, वो भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे अपने देश के वासियों से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ लोगों के साथ सब अच्छा हो, और मेरे साथ भी अच्छा हो, आपके साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैंने मैं अपनी फिल्म का भी काम कर रही हूँ। मैं अभी जस्ट आई हूँ चेन्नई से रिसेंटली, मेरी फिल्म का रिलेटेड काम करके, तो मैं अपनी फिल्म को भी काम कर रही हूँ, वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, राइट। इसमें मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ अपने देश के लिए, ना कि मेरी फिल्मों के लिए, कि ना कि मेरे कोई और चीज़ों के लिए। नहीं, मोदी जी से मेरी कोई बात नहीं है, ना मुझे मोदी जी के किसी भी मेम्बर से मेरा कोई कनेक्शन है। मैं एक मिडिल क्लास से एक अभिनेत्री हूँ, और सीधी सादी सिंपल आप ही की तरह मैं हूँ, और जैसे आम आदमी पार्टी या कोई भी आवाज़ उठा रहे हैं, वैसे मैं भी अपनी आवाज़ उठा रही हूँ कि प्लीज़ अभी आप लोग इनफ हो गया, इमोशनल फुल बनाना छोड़ो और काम करो। हम काम में बिलीव करेंगे, आप काम करोगे हम आपको वोट देंगे, आप काम नहीं करोगे हम आपको वोट नहीं देंगे। क्योंकि जो बात मैं अभी बोल रही हूँ मैं वहाँ बोलूँगी स्टेज पे, बोलना तो सेम है ना, अभी वो बात नहीं रही कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोलना है, अभी सही चीज़ के लिए बोलना और सही वक्त पे बोलना बहुत।